हमास के साथ इसराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे लेबनान पर इसराइल ने आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर घातक हमला भी किया है, हजारों लोगों को मारा, बंधक बनाया। इसराइल उससे जूझ ही रहा था कि लेबनान ने पीछे से रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इसराइल डिगा नहीं, पहले गाजा में घुसकर हमास को खत्म किया है, जमीन की नीचे से खोज खोज कर हमास आतंकियों को निकाला है, मारा है, कईयों की तो सुरंगों में ही कब्र बना दी। इसके बाद बारी से हिजबुल्ला की पहले कुछ हल्के फुल्के हमलों के बाद इसराइल ने बनाई ऐसी सीक्रेट प्लानिंग जिससे हिजबुल्ला रेंगने लगा। इसराइल ने ठान लिया है चार फ्रंट पर जंग लड़ रहे इस छोटे से देश ने पहले हमास खत्म किया, फिर हिजबुल्ला को हिलाया, अब यमन के हूतियों की बारी है, संभवतः इसके बाद ईरान से जंग हो। लेकिन पहले आप ये समझिए कि 17 से लेकर 28 सितंबर 2024 की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, जिसमें इसराइल ने हिजबुल्ला के सभी आकाओं के सिर काट दिए। पहली तारीख 17 सितंबर 2024, हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मारे गए जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे, 4000 लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया तो यही मानती है कि इसराइल ने कहा है कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इजरायली लोगों को उनके घरों में वापस लाएंगे, यानी हिजबुल्ला को खत्म करेंगे, तभी ये हो पाएगा। फिर तारीख आती है 18 सितंबर 2024, वॉकी टॉकी और अन्य यंत्रों में विस्फोट। लेबनान अभी पेजर हमले से उबरा भी नहीं था कि उसके घरों में अलग अलग यंत्रों में धमाके होने लगे, 14 लोग मारे गए, करीब 450 जख्मी हुए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेट ने यह कहा कि यह गजब का अचीवमेंट है, इसमें इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने मिलकर काम किया है, नतीजे भी अच्छे आए हैं, लेकिन पेजर अटैक के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर तारीख आती है 19 सितंबर 2024, इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिए। हिजबुल्ला समझ ही नहीं पाया कि इजरायली फोर्सेस की उनकी खबर कहां से मिली। फिर तारीख आती है 20 सितंबर 2024, इसराइल ने बेरूत की रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया, हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम आकिल मारा गया, साथ में 37 लोग और खत्म हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। इस हमले में आकिल समेत हिजबुल्ला के 15 और लड़ाके मारे गए थे। 1983 में बेरूत के अमेरिका दूतावास में धमाके करने के लिए आकिल अमेरिका में वांटेड था। आकिल ने ही हमास से मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की योजना बनाई थी। फिर तारीख आती है 21 सितंबर, इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्ला के 400 ठिकानों पर घातक एयर स्ट्राइक की, इसमें हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चर्स बर्बाद किए गए। इजरायल ने कहा कि ये सभी इजरायल की तरफ निशाना लगाकर तैनात किए गए थे। फिर तारीख आती है 22 सितंबर, हिजबुल्ला और इजरायल के बीच रात भर फायरिंग होती रही, रॉकेट और ड्रोन अटैक चलते रहे। इसराइल ने हिजबुल्ला के 290 टारगेट्स पर हिट किया, हिजबुल्ला के कुछ रॉकेट भी तेल अवीव तक पहुंच गए। फिर तारीख आती है 23 सितंबर, इसराइल ने लेबनान के लोगों को चेतावनी दी कि तुरंत अपने घरों से निकलकर दूर चले जाएं। इसके बाद इसराइल ने 1300 एयर स्ट्राइक किए, करीब 558 लोग मारे गए, इसमें महिलाएं, बच्चे, हेल्थ केयर वर्कर थे, करीब 1800 लोग जख्मी हुए। ये जानकारी लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी थी। इसी दिन हिजबुल्ला ने इसराइल की तरफ करीब 200 रॉकेट दागे, ज्यादातर को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही रोक लिया। इसराइल ने बदले में बेरूत में उस इमारत पर हमला किया जहां पर हिजबुल्ला का कमांडर अली कराकी था, हिजबुल्ला संगठन का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी, लेकिन वो अब बच गया। फिर तारीख आती है 24 सितंबर, हिजबुल्ला और इसराइल के बीच हमले होते रहे, दक्षिणी लेबनान को लोग भागने लगे, इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं की। ईरान के राष्ट्रपति ने CNN को यह भी कहा, हमें किसी की तरफ से लेबनान को गाजा बनाने में रोकना होगा। इस बीच इसराइल के बेरूत पर हमले में हिजबुल्ला मिसाइल डिवीजन का कमांडर इब्राहिम काबीसी मारा गया। फिर तारीख आती है 25 सितंबर, हिजबुल्ला ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी जो तेल अवीव तक पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि आतंकी संगठन ने इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दागी।
इसके बाद इसराइल ने अपने एयर स्ट्राइक को जारी रखा। हिजबुल्ला लड़ाकों समेत 72 लोग हमले में मारे गए, 400 के करीब जख्मी भी हुए। इसराइल ने लेबनान सीमा पर 2 अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड तैनात कर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर लेबनान में ग्राउंड अटैक किया जा सके। तारीख आती है 26 सितंबर। इधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली चल रही थी, पीछे से G7 का प्लान था 21 दिन का सीज फायर घोषित करना ताकि इसराइल और लेबनान के बीच मामला थोड़ा शांत हो सके, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे। तारीख आती है 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने यह कहा कि उनका देश कई फ्रंट पर जंग जीत रहा है, इसके बाद वो ईरान पर भी हमला करेगा, उसके साथियों का खेल खत्म करेगा। सभा में कई सदस्य ये सुनकर चले तो गए। इधर नेतन्याहू की स्पीच चल रही थी, उधर इजरायली एयरफोर्स बेरूत में बम और मिसाइलें गिरा रही थी। तारीख आती है 28 सितंबर। इजरायली मिलिट्री ने घोषणा की कि उन्होंने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को बेरूत के दाहिया में हुए स्ट्राइक में मार डाला है। हिजबुल्ला ने कुछ घंटों बाद इसकी पुष्टि भी की। अब रक्षा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नसरुल्ला और हिजबुल्ला के सभी कमांडर्स के मारे जाने से एक छोटे इलाके में कुछ देर के लिए शांति हो सकती है, लेकिन ये एक बड़े जंग से पहले का सन्नाटा है, इसके बाद भयानक स्थितियां पैदा होने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इसराइल और हिजबुल्ला में 17 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक क्या क्या हुआ, वॉर कैसे शांत नहीं किया गया, क्या क्या धमाके हुए, कैसे नसरुल्ला की मौत हो गई, ये सब हमने आपको बताया। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्लेयर जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।